दोस्तों सैमसंग 2019 में लॉन्च करने वाली है अपने तीन नए सैमसंग गैलेक्सी S10 के वेरिएंट्स, जिनमें से इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस के बारे में। दोस्तों ये एक मिनी सीरीज़ है जिसमें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं हर सैमसंग गैलेक्सी S10 के वेरिएंट के बारे में। तो अगर आप S10 के बाकी वेरिएंट्स जो है सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट और सैमसंग गैलेक्सी S10 इनके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियोस की लिंक आपको ऊपर कार्ड्स में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा सैमसंग S10 का एक 5G वेरिएंट भी लॉन्च करने वाली है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको इसी मिनी सीरीज में मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस के बारे में। तो जो सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस है वो सभी सैमसंग गैलेक्सी S10 वेरिएंट्स में सबसे बड़ा फ़ोन होने वाला है, यानी कि आपको यहाँ तीनों S10 वेरिएंट्स में से सबसे बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलेगा। S10 प्लस में आपको देखने को मिलेगा 6.4 इंचेस का QHD सुपर एमुलेट इन्फिनिटी डिस्प्ले। यहाँ आपको राइट और लेफ्ट दोनों ही साइड्स में कर्व्ड एजेस देखने को मिलेंगी। अगर बात करें प्रोसेसर की तो यहाँ होगा 2019 का फ्लैगशिप प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 855, या फिर यहाँ हो सकता है सैमसंग का अपना प्रोसेसर एक्जीनोस 9820। अब आपके डिवाइस में कौन सा प्रोसेसर आएगा ये तो आपके रीजन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ एक बड़ा डिस्प्ले होगा इसीलिए आपको बैटरी भी काफ़ी बड़ी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको यहाँ 6GB की रैम देखने को मिलेगी। बताया जा रहा है कि यहाँ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आएगा, और कुछ रूमर्स तो ये भी हैं कि ये दुनिया का पहला अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वाला डिवाइस हो सकता है। अगर बात करें कैमरा डिपार्टमेंट की तो यहाँ आपको पीछे देखने को मिलेगा ट्रिपल कैमरा सेटअप, जहाँ एक होगा प्राइमरी सेंसर और साथ साथ होगी एक टेलीफोटो लेंस और एक वाइड एंगल सेंसर। अगर बात करें सामने की तो सामने आपको देखने को मिलेगा इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले, यानी कि सामने आपको पिल शेप कटआउट देखने को मिलेगा और कैमराज इस कटआउट के अंदर होंगे। यहाँ मैंने कैमराज कहा क्योंकि फ्रंट में आपको देखने को मिलेंगे दो इन डिस्प्ले कैमराज, यानी कि ड्यूअल फ्रंट कैमरा सेटअप, तो ये काफ़ी कमाल चीज़ है। इसके अलावा अगर बात करें बाकी फीचर्स की तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा एंड्रॉयड पाई 9.0 आउट ऑफ द बॉक्स सैमसंग के वन UI के साथ। यहाँ आपको 25 वैट वायरलेस फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है, जो सैमसंग के प्रीवियस 15 वैट वायरलेस चार्जिंग से काफ़ी फास्ट होगी। यहाँ आपको आईरिस स्कैनर देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि शायद इस बार सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस में आपको 3D फेशियल रिकॉग्निशन भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इस डिवाइस में शायद 3.5mm हेडफोन जैक भी नहीं होगा, तो ये काफ़ी सैड न्यूज़ है। अब यहाँ आपको तीन अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिल सकते हैं। तो जो पहला वेरिएंट है उसमें होगी 128GB इंटरनल स्टोरेज, और इस वेरिएंट की प्राइस हो सकती है लगभग 80,000 रुपीज़। जो दूसरा वेरिएंट होगा उसमें होगी 512GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी प्राइस हो सकती है लगभग 98,000 रुपीज़ के आसपास। यहाँ जो तीसरा वेरिएंट है वो थोड़ा अलग होगा, क्योंकि उसमें हो सकती है 1TB यानी कि 1TB इंटरनल स्टोरेज। अब इतने ज़्यादा इंटरनल स्टोरेज की ज़रूरत शायद ही किसी यूज़र को होगी, पर इस वाले वेरिएंट की प्राइस हो सकती है लगभग 1,23,000 रुपये यानी कि 1,23,000 रुपीज़। तो ये डेफिनेटली एक काफ़ी एक्सपेंसिव स्मार्टफोन होगा। अगर बात करें इसकी लॉन्च डेट की तो सैमसंग गैलेक्सी S10 के सभी वेरिएंट्स 20 फरवरी 2019 को लॉन्च हो सकते हैं, और 8 मार्च से इनका पहला सेल स्टार्ट हो सकता है। तो क्या आप सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस के लिए एक्साइटेड हैं? बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो आपको पता ही है क्या करना है, सिर्फ वो रीज़न हमारे साथ शेयर करिए ताकि अगले वीडियो में हम उसका ध्यान रख पाए। दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख पाए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूँ राज और मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।